हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। तो स्टूडेंट्स, 7:30 बज गया है और आप लोगों का 7:30 बजे से चल रहा था फिजिक्स का क्लास। जी हाँ, आप लोगों को 7:30 बजे से फिजिक्स का क्लास चल रहा था और आज हम बात करेंगे, पिछले क्लास में विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश चला था और आज हम बात करेंगे विद्युत आवेश का सिद्धांत। क्या बात करेंगे? विद्युत आवेश का सिद्धांत। तो पूरा क्लास कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट है प्रतिदिन 7:30 बजे लाइव जुड़ जाइए और फिजिक्स के क्लास जरूर कीजिएगा। इसके बाद 8 बजे से बायोलॉजी और 9:15 बजे से हिंदी का क्लास चलता है। तो सबसे पहले फिजिक्स, यहाँ में क्या चल रहा है फिजिक्स में? विद्युत आवेश पिछला क्लास में चला था, अभी का जो टॉपिक है वो है विद्युत आवेश का सिद्धांत। लेकिन विद्युत आवेश का सिद्धांत पढ़ने से पहले थोड़ी सी कुछ और बातें समझ लेते, उसके बाद टॉपिक शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते कुछ चालक का। क्या बात कर लेते हैं? हम सबसे पहले बात करते हैं चालक का। और एक बात समझिएगा बढ़िया से, क्या समझिएगा कि आप लोग को बताए थे कि जितने भी पृथ्वी पर वे पदार्थ जिनमें आवेश यानी विद्युत प्रवाहित होता है, जिस पदार्थ में, अगर चालक किसको बोलते, कभी कभी क्वेश्चन करता है चालक क्या है, तो कह सकते हैं कि जिस पदार्थ में विद्युत प्रवाहित होता है, जिस पदार्थ में विद्युत क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। क्या होते हैं? विद्युत प्रवाहित होता है, जिस पदार्थ में विद्युत प्रवाहित होता है उसको कोई क्या बोलते हैं, उसको चालक बोलते हैं। तो कैसे कैसे, एक बात समझिएगा, ये चालक या कभी कभी लिखेगा कि सुचालक क्या है, तो चालक और सुचालक एक ही पदार्थ है, यानी एक ही बात बोला जा रहा है कि जिस पदार्थ में अगर विद्युत प्रवाहित हो जाए उसको क्या बोलते हैं, चालक। अब यहाँ पे समझिए, जैसे मार्कर है, क्या इसमें कभी भी यहाँ पे विद्युत डालेंगे तो होगा, कभी भी विद्युत पार होगा? नहीं होगा। लेकिन इसके सतह पर जरूर पृष्ठ आवेश आ जाएंगे, ठीक है, इस सतह पर आवेश जरूर उत्पन्न होंगे, लेकिन वो बाद की बात है। पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि सुचालक या चालक क्या है। तो कह सकते हैं जिस पदार्थ में विद्युत प्रवाहित होता है उसको सुचालक पदार्थ कहते हैं। किस किस में प्रवाहित हो सकता है? तो जैसे अगर हम बात कर ले तो धातु होते हैं, तो उस धातु में विद्युत तो आसानी से पार कर जाएंगे, लोहा में विद्युत आसानी से पार कर जाएंगे, तांबा में आसानी से पार कर जाएंगे, एल्युमिनियम में आसानी से पार कर जाएंगे, यहां तक कि हम लोग का जो शरीर होता है, हम लोग के शरीर में विद्युत भी प्रवाहित हो जाता है। कहीं उंगली से टच करके देखना, पूरा शरीर में झनझना आ जाता है कि नहीं, तो देखिए एकदम भनभना के लगेगा, झनझना के भागेगा, ठीक है। तो यहाँ शरीर में भी पार हो जाती है, यहां तक कि अगर अम्ल की बात कर ले तो अम्ल में भी जो है विद्युत प्रवाहित हो जाते हैं, क्षार में भी विद्युत प्रवाहित हो जाते हैं, पेड़ पौधे में भी विद्युत जो है प्रवाहित हो जाते हैं, ठीक है। तो जिस पदार्थ में विद्युत प्रवाहित आसानी से हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं चालक, ठीक है। अगर यही हम बात कर ले कुचालक का, किसका बाबू? कुचालक पदार्थ का। तो एक बात समझिएगा, कुचालक पदार्थ जो होता है जिसको विद्युत रोधी पदार्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ। तो कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ किसको कहते हैं? तो कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ बिल्कुल वही चीज है कि जिसमें विद्युत प्रवाहित ना हो। क्या कर सकते हैं कि जिसमें विद्युत पदार्थ यानी विद्युत जो है प्रवाहित ना हो, वैसे पदार्थ को विद्युत प्रवाहित ना हो। तो जिसमें अगर विद्युत प्रवाहित नहीं होगा, वैसे ना हो, वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला है, ये क्या मार्कर, क्या प्लास्टिक है, तो क्या कभी इसमें विद्युत पदार्थ प्रवाहित होंगे? नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया आपका? कुचालक हो गया। ये बोर्ड है, इसमें कभी भी विद्युत प्रवाहित होंगे? नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया? कुचालक हो गया। तो एग्जाम्पल में याद रखिएगा, पिछले क्लास में एक एग्जाम्पल लिए थे कांच के बारे में, लिए थे कि नहीं लिए थे? तो कांच क्या है? कांच जो है एक विद्युत रोधी पदार्थ है। एबोनाइट का भी पिछले क्लास में उदाहरण लिए थे कि बिल्ली की खाल पर लगड़ा जाता है, तो एबोनाइट क्या है? एक छड़ है एबोनाइट, और ये जो है एक प्रकार के कुचालक पदार्थ है। इसके अलावा आप प्लास्टिक देख लीजिए, प्लास्टिक क्या है? एक कुचालक पदार्थ है। लकड़ी देखिए क्या है? एक कुचालक पदार्थ है कि नहीं है? तो ये सभी क्या है? कुचालक पदार्थ है। अब यहाँ पे एक और सबसे बात आती है पैरा वैद्युत का। किसका बात आती है?
परावैद्युत की परावैद्युत क्या है। कभी कभी ना क्वेश्चन ये वाला दो नंबर में पूछ लेता है परावैद्युत के बारे में, डाई इलेक्ट्रिक। चलिए अब यहाँ पे एक और बात समझिए कि परावैद्युत क्या होता है। तो यहाँ पे समझिएगा परावैद्युत के बारे में, तो परावैद्युत जैसे मान लीजिए क्या है, कुचालक पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कुचालक पदार्थ। मार्कर से हम जो लिख रहे हैं ये मार्कर क्या है बाबू, कुचालक पदार्थ है। चलिए तो इस कुचालक पदार्थ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो कुचालक पदार्थ है इसके ऊपर, ये जो कुचालक दिख रहा है इस कुचालक पर अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते या प्रेरित करते, क्या करते, विद्युत क्षेत्र प्रेरित करते। चलिए विद्युत क्षेत्र प्रेरित करते हैं यानी डालते हैं। प्रेरित का मतलब क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र इस पर जो है डालते हैं। तो जैसे विद्युत क्षेत्र प्रेरित करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए कुचालक पदार्थ है और इस कुचालक पदार्थ पर हम कोई भी विद्युत क्षेत्र इस पर आरोपित कर देते हैं, इस पर डाल देते, इस पर लगा देते हैं, तो इसमें जो है प्रवाहित विद्युत नहीं होता है लेकिन इसके चारों तरफ का जो वातावरण है वो निर्वात है, हवा है। और इस निर्वात होने की वजह से, हवा होने की वजह से आपने ऐसा सुना होगा कभी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, होते कि नहीं होते। तो जब हम इस कुचालक पदार्थ पर कोई भी विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करेंगे तो इसके पृष्ठ पर जो है विद्युतीय आवेश उत्पन्न हो जाती है, क्या होते हैं, विद्युतीय आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र जैसे प्रेरित करते हैं तो उसके पृष्ठ पर लिख देते हैं, उसके पृष्ठ पर विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं इसी विद्युत आवेश को कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, परावैद्युत। इसको क्या बोलते हैं, परावैद्युत बोलते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल इसका देखा जाए तो एग्जांपल में याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं, एग्जांपल में हवा, क्या रख सकते हैं, हवा याद रख सकते हैं। अभ्रक देखते हैं, अभ्रक समझते हैं, अभ्रक चमकीला चमकीला अभ्रक होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो पूरित कागज, पूरित कागज समझते हैं जिसको कार्बन बोलते हैं, पूरित कागज ये कार्बन होता है। तो ये सारे चीजें जो होती है इसके अगर इस पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाए इसके पृष्ठ पर जो है विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से एक नया टॉपिक आपका शुरू करते हैं, क्या करते हैं, नया टॉपिक जो है शुरू करते हैं। अब यहाँ पे नया टॉपिक में नाम देते हैं विद्युत आवेश का सिद्धांत, क्या देते हैं बाबू, चलिए विद्युत आवेश का सिद्धांत, आवेश का सिद्धांत। चलिए अब यहां पे एक बात समझिएगा, विद्युत आवेश का सिद्धांत, तो देखिए चलिए अब यहां पे एक नया टॉपिक दे दिए विद्युत आवेश का सिद्धांत। तो यहाँ पे क्या समझना है, या यहाँ पे कभी कभी ना क्वेश्चन करता है कि इलेक्ट्रिक, कभी क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत आवेश के सिद्धांतों को समझाए, विद्युत नहीं पूछेगा, डायरेक्ट बोलता है कि आवेश को सिद्धांतों को समझाइए, तो कैसे कैसे लिखना है आवेश के सिद्धांत में, एकदम बढ़िया से समझिएगा। नया टॉपिक यहां से अब आपका शुरू हो रहा है विद्युत आवेश, क्या हो रहा है बाबू, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। चलिए एक एक बात जो है बढ़िया से समझिएगा, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ठीक है। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको मिटाएंगे भी, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, क्योंकि टॉपिक जब शुरू हुई है तो उसको मिटाना तो पड़ेगा ही बाबू, बोर्ड तो छोटा है। चले जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए अब यहां पे एक बात बढ़िया समझिएगा, ये टॉपिक लिख दिए
और इस टॉपिक को जो लिखे है तो एकदम बढ़िया से टॉपिक को कॉपी में नोट कीजिएगा। जैसे देखिए हम एक बात समझते हैं इस चीज में इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में कि हम लोग के आसपास जितने भी पदार्थ हैं, हम लोग के आसपास तो सब्सटेंस है, ये मार्कर भी क्या है, मार्कर भी एक पदार्थ है। तो जितना भी पदार्थ है वो सभी पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना होता है। एकदम बात समझिएगा बढ़िया से कि जितना भी पृथ्वी पर पदार्थ है वो सभी पदार्थ जो है परमाणु से बना है। किससे बना है? परमाणु से मिलकर, परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, परमाणु से मिलकर बना है। अब यहां पे एक बात समझिएगा कि जितना भी पदार्थ अभी हम बता रहे इस पृथ्वी पर है, यहां तक कि मार्कर भी जो है, हमारे मार्कर को जो भी कह दें, तो ये अभी जो है परमाणु से मिलकर के ही बना है। और यहां पे कह सकते हैं कि जो परमाणु का भार होता है, एकदम बढ़िया समझिएगा, ये जो परमाणु का हम भार की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, परमाणु का भार, तो इसके केंद्र पर निर्भर करता है। किसका करता है बाबू? इसके केंद्र में समाहित, तो बोल सकते हैं कि परमाणु का जो भार होता है केंद्र में समाहित होता है। क्या होता है? केंद्र में समाहित। अब यहां पे एक बात समझिए, केंद्र में समाहित का मतलब कि केंद्र पर निर्भर। क्या बाबू? केंद्र पर निर्भर होता है। तो अगर यहां पे पदार्थ जितने भी पृथ्वी पर हैं वो सब परमाणु से मिलकर बना है और परमाणु का जो भार होता है वो कहां होता है? केंद्र में होता है। परमाणु का पूरा भार कहां लगा होता है? केंद्र में होता है। यानी परमाणु का पूरा भार कहां निर्भर होता है? केंद्र पर निर्भर होता है। जैसे मकान बनता है तो मकान किससे मिलकर बना है? ईटा से बना है, सीमेंट से बना है, बालू गिट्टी छड़ से मिलकर बना है। लेकिन पूरे मकान का भार कहां स्थित है? तो पूरे मकान का भार होता है पिलर पर। तो अब इस पिलर पर जो होता है जिसको केंद्र बोलते हैं, तो ये पूरे परमाणु का भार कहां स्थित समाहित होता है? केंद्र में होता है। ठीक है, और ये जो समाहित होता है केंद्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है, इसी को बोलते हैं नाभिक कहते हैं। अब यहां पे एक बात समझिए, ये नाभिक कह दिए, तो नाभिक में देखिएगा कि जो नाभिक होता है, परमाणु के जो नाभिक होते हैं उसमें दो वो कण होते हैं, दो कण होते हैं। अब ये दो प्रकार के कण होते हैं, तो दो प्रकार के कण कैसे, कण कौन होते हैं? तो दो प्रकार के कण होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन, एक क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन एक और बात समझिएगा, ये जो नाभिक होते हैं इस नाभिक में दो प्रकार के मौलिक कण होते हैं, इसको मौलिक कण बोल सकते हैं। तो दो प्रकार के कण होते हैं, क्या होते हैं? दो प्रकार के मौलिक कण होते हैं, और जिसमें पहला होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन होता है। तो ये पहला जो प्रोटॉन होता है ये क्या होता है? धन आवेशित होता है। क्या होता है? प्रोटॉन धन आवेशित होता है। ठीक है, धन आवेशित होता है। जबकि हम न्यूट्रॉन की बात कर ले तो न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। क्या होता है बाबू? न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन। यहां पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है कि परमाणु के केंद्र में कितने प्रकार के कण होते हैं, तो दो प्रकार के मौलिक कण होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं, एक न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन धन आवेशित होता है जबकि न्यूट्रॉन उदासीन कण होते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, इसके बाद इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ठीक है, इधर मिटाते हैं। एक एक बात जो है अच्छे से समझिएगा, एक एक बात जो है अच्छे से समझते चलना है। ठीक है, चलिए देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग को हम बताने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं जो देख लीजिए, चलिए देख समझिएगा बढ़िया से एक एक बात। जैसे मान लीजिए यहां पे क्या बताए कि जो केंद्र होते हैं, केंद्र में समाहित, नाभिक में क्या होता है? भार जो होता है परमाणु का भार केंद्र में समाहित होता है। ठीक है, ये सारे चीज देखिए, नाभिक में दो को मौलिक कण होती है, एक प्रोटॉन होते हैं, एक न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, लेकिन प्रोटॉन क्या होते हैं? धन आवेशित होते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर हम नाभिक की बात कर ले, किसकी बात कर ले बाबू? अगर हम न्यूक्लियस की बात कर लेते, नाभिक की बात कर लेते, ठीक है, तो एक बात यहाँ पे समझिएगा, ये जो नाभिक होते हैं, इस नाभिक के अगर चारों ओर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जितने भी नाभिक होते हैं, इस नाभिक के चारों जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं,
इस इलेक्ट्रॉन पर अगर देखा जाए तो ऋण आवेश होते, इस पर क्या होते ऋण, ऋण मतलब समझते हैं ना बाबू, ऋण मतलब क्या, चलिए नेगेटिव चार्ज, तो ऋण आवेश होते, क्या होते हैं बाबू ऋण आवेश होते, एकदम बढ़िया समझिएगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन जितने भी नाभिक है अगर इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन में क्या होंगे ऋण आवेशित होंगे, क्या होंगे ऋण आवेश, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके चारों जितने भी नाभिक है तो नाभिक के अगर चारों ओर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें क्या होते हैं ऋण आवेश होते हैं, क्या होते हैं बाबू ऋण आवेश होते हैं। यहां पे एक और बात समझिएगा कि अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो प्रोटॉन होते हैं उस प्रोटॉन पर क्या होती है धन आवेश, इस प्रोटॉन पे क्या होते हैं धन आवेश, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन पे क्या है ऋण आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश है एक एक बात समझना बढ़िया से, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है ऋण आवेश है, ठीक है। और अभी बताए थे कि जो प्रोटॉन होते हैं इस पर क्या होते हैं तो इस पर धन आवेश होते हैं, क्या होते हैं धन आवेश होते हैं। तो यहाँ पे एक बात और समझिएगा कि जो धन आवेश है और यहाँ पे जो ऋण आवेश है, बढ़िया समझिएगा, ये जो धन आवेश है और ये ऋण आवेश, तो ऋण आवेश का जो मान होता है वो प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर होता है, क्या होता है बाबू बराबर बराबर होता है। तो इसलिए कहीं कहीं देखे होंगे पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे एक लाइन पढ़े होंगे आप कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन जो होती है इलेक्ट्रॉन पर मान कौन सा होता है ऋण आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो ऋण आवेश होता है वो प्रोटॉन के धन आवेश के परिमाण के बराबर होते हैं, क्या होते हैं परिमाण के बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो अगर चाहे तो आप नोट में भी लिख सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं कि जितने भी परमाणु, क्या लिख सकते हैं कि जो परमाणु होते हैं प्रत्येक, अगर हम परमाणु की बात कर ले तो जितने भी परमाणु होते हैं तो उस परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या, क्या कह सकते हैं कि परमाणु जो होते हैं उसमें अगर प्रोटॉनों की संख्या को देखा जाए तो अभी जस्ट बताए थे, क्या बताए कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसे लाइन लिखा हुआ आपको कहीं पे नोट पर लिख लीजिएगा, संख्या के बराबर होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे भी कह सकते हैं कि वही कह सकते हैं प्रोटॉन की जो मात्रा होती है इलेक्ट्रॉन की मात्रा के बराबर होती है, क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। लेकिन एक और बात समझिएगा कि जो परमाणु होते हैं इसमें तो दो गो कण हो गए, अरे इसमें जो दो गो कण मौजूद है, एक कण क्या मौजूद है, एक कण मौजूद है प्रोटॉन और एक कण मौजूद है क्या इलेक्ट्रॉन। तो जब प्रोटॉन भी मौजूद है इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है फिर भी जो है परमाणु जो है विद्युत रूप से क्या होते हैं उदासीन होते हैं। यहाँ पे एक और नोट अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि परमाणु में क्या लिख सकते हैं कि जो परमाणु होते हैं परमाणु में दो कण मौजूद है, क्या है दो कण उपस्थित है, दो कण मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि जो दो कण मौजूद है कौन कौन दो कण मौजूद है, इधर मिटा देते हैं थोड़ा सा क्योंकि अभी इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा कि दो कण मौजूद हैं तो कौन कौन है, देखिए दो कण अभी बताए कि दो कण क्या है, एक प्रोटॉन भी मौजूद है, क्या है एक प्रोटॉन भी मौजूद है और एक क्या मौजूद है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या मौजूद है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी क्या बताए कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बराबर होती है, क्या होती है बराबर। तो परमाणु में कौन कौन से कण मौजूद हो गए, यहाँ पे देखिए एक हो गए इलेक्ट्रॉन हो गए एक हो गए प्रोटॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है और प्रोटॉन भी मौजूद है लेकिन ये दोनों अगर देखा जाए तो विद्युत रूप से अगर देख लीजिए तो इलेक्ट्रिक रूप से विद्युत रूप से परमाणु क्या होते हैं परमाणु उदासीन हो जाते हैं, परमाणु उदासीन होते हैं, एक ही बात कह रहे उदासीन होते हैं, क्या होते हैं बाबू। चलिए तो यहाँ पे कभी कभी ना यहाँ
मिस्टेक हो जाती है, कंफ्यूजन। लेकिन याद रखिएगा कि परमाणु में दो कण मौजूद है। अभी बताया एक इलेक्ट्रॉन होता है, कि क्या होते प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन भी बताए थे, और न्यूट्रॉन उदासीन बताए थे। तो वही न्यूट्रॉन उदासीन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो विद्युत रूप से अगर देखिएगा तो परमाणु में जो दो कण मौजूद है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मौजूद है, फिर भी क्या होते हैं विद्युत रूप से, इलेक्ट्रिक रूप से अगर देखा जाए तो परमाणु क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे समझिएगा ये प्रोटॉन क्या है, अभी जस्ट बताए प्रोटॉन धन आवेशित है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित है। तो दोनों कण क्या है, यहाँ पे कह सकते हैं कि परमाणु में दो कण मौजूद है। कौन कौन कण मौजूद है, एक धन आवेशित कण है, एक ऋण आवेशित कण, दोनों आवेशित कण। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दो आवेशित आवेशित जो कण है वो कण कौन कौन है, तो वो धन आवेशित है, वो ऋण आवेश, फिर भी परमाणु क्या है, उदासीन है। तो दोनों आवेशित कण जो है क्या विपरीत ना है जी, विपरीत है, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। इसकी वजह से परमाणु को यहाँ पे कह सकते हैं कि विद्युत रूप से परमाणु जो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो इस प्रकार से अगर अभी हम नोट में लिखवाए कि ये जो परमाणु होता है, परमाणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो इस आधार पर यह भी का तो कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं कि धन आवेश की मात्रा, धन आवेश क्या कह सकते हैं बाबू, धन आवेश की मात्रा, धन आवेश की जो मात्रा होती है, धन आवेश की मात्रा ऋण आवेश की मात्रा के बराबर होता है। ऋण आवेश की मात्रा के बराबर होता है, ऋण आवेश की मात्रा के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां पे एक और बात समझ लीजिए, ये जो बराबर होता है तो किसमें, परमाणु में, किसमें बाबू, परमाणु में, यहां पे लिख देते हैं परमाणु, परमाणु में अगर देखा जाए तो परमाणु में देखिएगा बढ़िया से, तो यह चीज समझ में आ जाएगा कि धन आवेश की मात्रा ऋण आवेश की मात्रा के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि अभी बताए कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। और दोनों कण जो है विपरीत रूप से, इसलिए इसको बोलते हैं कि परमाणु जो है एक उदासीन विपरीत रूप से है, फिर भी क्या है विद्युत रूप से अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक रूप से, तो परमाणु जो होते क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, अगर समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कोई परमाणु है, अगर परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, परमाणु में से अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, या एक से अधिक भी, अगर हम बात कर ले एक या एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्या करते हैं बाबू, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, चलिए इलेक्ट्रॉन निकालते, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो वह परमाणु जो है धन आवेशित हो जाता है, निकालते हैं तो परमाणु क्या हो जाते हैं, धन आवेशित हो जाते हैं। याद रखिएगा विद्युत रूप से, इलेक्ट्रिक रूप से अगर देखा जाए तो परमाणु क्या हो जाएंगे, धन आवेशित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, धन आवेशित हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आवेश विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, क्या करता है कि अगर मान लीजिए आवेश की अगर हम बात कर लें, तो एक और नोट में अगर लिखना चाहते हैं तो जो जितने भी आवेश पृथ्वी पर हैं, अगर आवेश की हम बात करें तो आवेश जो होता है विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है, याद रखिए उत्पन्न करता है, चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।